हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजियो पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटने के दर्द से जुड़ी हुई एक बहुत ही कॉमन सी समस्या के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घुटने की गद्दी की सूजन, घुटने की गद्दी के दर्द के बारे में, और इस दर्द को यानी इस घुटने की गद्दी को आप घर बैठे कैसे हील कर सकते हैं हमारी बताई हुई एक्सरसाइज के द्वारा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घुटने की गद्दी होती क्या है। दोस्तों, हमारे घुटने का जो जॉइंट होता है ये हमारी शिन बोन और हमारी थाई बोन से मिलकर बना होता है। इन दोनों के बीच के अंदर जो ब्लू कलर की आप गद्दी देख रहे हैं इसे ही कहा जाता है मेनिस्कस। इस गद्दी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अंदर की तरफ जो गद्दी होती है उसे कहा जाता है मीडियल मेनिस्कस, और जो घुटने के बाहर की तरफ गद्दी होती है इसे कहा जाता है लेटरल मेनिस्कस। ज़्यादातर केसेस के अंदर हमें मिडिल मेनिस्कस की टियर देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे नी की जो बायोमैकेनिक्स है उसका लोड ज़्यादातर हमारे मिडिल साइड के अंदर आता है, जिसके कारण हमारी मिडिल मेनिस्कस की इंजरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जब भी हमें इस गद्दी की कोई चोट आती है तो पेशेंट को दर्द होता है, सूजन होती है, और पैर को ज़मीन पर रखने पर तेज़ दर्द का सामना करना पड़ता है। पैर को स्ट्रेट करने में, बेंडिंग करने में पेशेंट को दर्द होता है। इसको हील करने के लिए सबसे पहला जो बेस्ट ट्रीटमेंट हमें बताते हैं वो है फिजियोथेरेपी के अंदर हम आइसिंग कहते हैं, कि पेशेंट घर पे रहकर आइसिंग करे, अपने घुटने की सूजन को कम करे। अगर उससे उसे आराम नहीं आता तो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक मोडलिटीज़, कुछ लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप अपनी घुटने की गद्दी को हील कर सकते हैं, इसके स्वेलिंग और पेन को कम कर सकते हैं। जब आप अपने घुटने की गद्दी की पेन और स्वेलिंग को कम कर लेते हैं, उसके बाद हमारे द्वारा पेशेंट को कुछ रिहैब एक्सरसाइजेस कराई जाती है मेनिस्कस को हील करने के लिए, मेनिस्कस के सराउंड मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। वही एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप इस वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है घुटने की सूजन या फिर घुटने की स्ट्रेंथ के लिए, वो है नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के अंदर हमें अपने घुटने के नीचे तकिए को रखना होता है और घुटने की ताकत से नीचे की तरफ दबाना होता है। ऐसा करने से हमारे घुटने का गैप भी इंक्रीज़ होता है, हमारे घुटने की जो मांसपेशियाँ होती है कॉर्डिसेप्स वगैरह उन सभी में स्ट्रेंथ आती है। मेनिस्कस इंजरी के अंदर ये एक्सरसाइज बहुत ही बेहतर है करने के लिए। अगर आपको नी पेन रहता है, नी पे स्वेलिंग है, मेनिस्कस टियर है, तो नी प्रेस एक्सरसाइज यानी कि आइसोमेट्रिक नी एक्सरसाइज करके आप अपने पेन स्वेलिंग को कम कर सकते हैं। वहीं दूसरी एक्सरसाइज के अंदर भी हमें आइसोमेट्रिक करेंगे, लेकिन इस बार हम जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए कर रहे हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज में हमें अपने एडी को नीचे की तरफ दबाना है और घुटने को बिल्कुल सीधा रखना है। आप मूवमेंट देख सकते हैं, ऐसा करने से आपका जॉइंट ओपन होता है और हैमस्ट्रिंग मसल की स्ट्रेंथ आती है। दोनों ही एक्सरसाइज की 5-5 या 10 रिपीटेशन आप ले सकते हैं और दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वहीं दूसरी एक्सरसाइज है हमारी नी का एक्सटेंशन। ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि मेनिस्कस टियर होने के बाद में घुटने को मोड़ने में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। वहीं कुछ केसेस के अंदर घुटने को सीधा करने के अंदर भी पेन फील होता है। तो अगर आपको घुटने को सीधा करने में पेन नहीं होता तो आप इस वाली एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें आपको पंजे पर रहना है और घुटने को पूरा पीछे की तरफ उठाना है जितना आप ले जा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेस तो होती ही है, साथ के अंदर आपके नी जॉइंट का भी अच्छा मूवमेंट होता है, जिससे कि आपकी मेनिस्कस के ऊपर कोई प्रेशर होता है तो वो रिलीज़ हो पाता है। इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है, ये बेसिक एक्सरसाइज है आपकी नी की स्ट्रेंथ के लिए। इसके लिए आपको किसी भी स्टेपर के ऊपर साइड से ऊपर की तरफ जाना है। इनिशियल एक्सरसाइज है वीएमओ को स्ट्रेंथ करने के लिए। वीएमओ मसल्स हमारी मिडिल साइड की स्ट्रेंथ के लिए काम करती है, तो अगर आप वीएमओ मसल्स को एक्टिवेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आप डेवलप कर सकते हैं मेनिस्कस के लिए। वीएमओ के लिए एक सेपरेट वीडियो भी हमने बना रखा है, अगर आपको और अच्छी एक्सरसाइज करनी है वीएमओ के लिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। हमारी जो अगली एक्सरसाइज है ये भी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपके जो नी जॉइंट है वो ओपन होता है और ये ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है आपको मेनिस्कस टियर के अंदर, आपकी घुटने की गद्दी की सूजन के अंदर। तो इसे करने के लिए आपको एक बॉल की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास कोई बड़ी बॉल नहीं है तो आप किसी चेयर के ऊपर छोटी बॉल भी रख सकते हैं या फिर एक स्पंजी पिलो भी रख सकते हैं, जिसे आपको अपनी हील से नीचे की तरफ दबाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है और छोड़ देना है। वहीं इसी एक्सरसाइज के अंदर दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपको पैर को आगे की तरफ सीधा करने की कोशिश करनी है, जिससे आपकी कॉर्डिसेप्स मसल्स पे अच्छा स्ट्रेंथ पड़ेगा। और ये अगेन ओपन जॉइंट के अंदर एक्सरसाइज है, जो कि आपकी मेनिस्कस के ऊपर प्रेशर होने को भी कम करता है और हीलिंग भी फास्ट करता है। अगर आपके पास बोल नहीं है तो आप पिलो के साथ इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वहीं तीसरी एक्सरसाइज के अंदर हमें दीवार के ऊपर बोल को रख लेना है और घुटने को पीछे की तरफ दबाना है। जितना अच्छा आप स्ट्रेंथ उसको दबाएंगे उतना अच्छा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी आपकी वीएमओ और आपकी नी की मसल्स के ऊपर।
अगेन इसके अंदर एक स्पंजी पिलो या फिर छोटी बॉल भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपने घुटने के पेन के लिए, गद्दी की सूजन के लिए, जिसके कारण आपको कभी कभी तेज दर्द का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको थोड़ा भी आराम आता है हमारी एक्सरसाइज से। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।